कौन था तो घर में बड़ा वाला वही जिसने मारा है अकेला ही था। बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत ग्राम दहगांव से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी जन्म देने वाली मां की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। लांजी पुलिस ने खून से लथपथ हालत में वृद्ध महिला का शव बरामद कर उसे पीएम के लिए लांजी अस्पताल भिजवाया। वहीं हत्यारे बेटे को मौके से ही हिरासत में लिया गया। आरोपी बेटा परदेसी मलगाम के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मृतिका जनाबाई के दो बेटे, बड़ा बेटा हत्यारा परदेसी व छोटा बेटा सुभाष है, जो रोजी मजदूरी करते थे। घटना 2 मार्च दिन शनिवार की रात करीब 8 बजे की है, जहां लांजी थाना क्षेत्र के दहगांव में वृद्धा जनाबाई पति भावदास मलगाम उम्र 65 वर्ष घर में सोई थी। इस दौरान देर रात उसका बड़ा बेटा परदेसी पिता भावदास मलगाम उम्र 26 वर्ष घर आया और उसने विवाद करने लगा, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से वृद्धा पर हमला कर गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना पर घर के पास रहने वाले लोग जब मौके पर पहुंचे तो वृद्धा जनाबाई का खून से लथपथ शव पड़ा था। उसके गर्दन पर गंभीर चोट के निशान थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी के साथ टीम मौके पर पहुंची, जहां शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए उसको बरामद कर पीएम के लिए भेजा गया। सर, बीती रात अभी दहगांव ग्राम दहगांव में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दिया। सर, क्या है मामला पूरा? सर, जो है हमको जो है सूचना मिली थी कि ग्राम दहगांव में जो है एक महिला मृत हो गई है, जो है उसकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर हमने जो है जैसा हमको मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने जो है महिला के बड़े बेटे को राउंड अप किया। साथ में महिला के छोटे बेटे से मिली जानकारियों के आधार पर हमने पूछताछ जारी रखी। पूछताछ करने के उपरांत जो है महिला के पुत्र ने जो है अपना जुर्म कबूल किया। उसने हमें पूरी कहानी घटनास्थल बताया, जिससे हमको जो है पूरी घटना का खुलासा हम लोग जो है कर पाए। इस संबंध में जो है हम इस जो घटना के लिए कारित किया गया वेपन था वो भी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया गया है। और साथ ही साथ में पुलिस ने जो है वो तेज़ी से सभी जो है स्पॉट को भी जो है पहुँच कर अपनी कार्रवाई जो है वो दिखाई है इस यहाँ पर। सर, हत्या का मुख्य कारण क्या था? सर, क्या बताया? देखिए, हत्या का के लिए जो है ऐसा जो उसने बताया है कि वो व्यक्ति जो है पुत्र जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा असंतुलित था। साथ में जो है वो पूर्व में भी उसने जो है अपने आप को भी अपनी जान लेने की भी उसने प्रयत्न किए हैं। साथ में उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही थी, इस कारण से उसका ये घटना जो है करना पाया गया। आरोपी पे सर क्या कार्रवाई की गई है? आरोपी को जो है वो न्यायालय के लिए रवाना कर दिया गया है, जेल दाखिल करवा दिया गया है आरोपी को राउंड अप करके। पहले भी विवाद इनका चलता था माँ बेटे के बीच में, कल ही नहीं हुआ था, पहले भी हो चुका था कई बार। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।